वकील साहब, आप पे आरोप है आप हिंदुओं की भावना को भड़काते हैं। मैं हिंदुओं की भावना ही नहीं, इनकी भावना जो है ना वो बिल्कुल मोम की बनी हुई है, इनकी कोई भावना नहीं है। जिसकी भी भावना भड़क रही है वो मेरे पास आ जाए, मैं बता देता हूँ। सब ने चोरी का और बेईमानी का, इन गरीबों का, ओबीसी का, एसटी का, लूट का इतना पैसा रख लिया है इन्होंने, इतनी मलाई मार ली है इन्होंने, और आय के जितने भी साधन हैं सारे के सारे आय के साधन इन्होंने अपने आप झपट लिए। 90% हमारे हिस्से की संपदा इन 10% लोगों ने, जिनकी भावनाएँ हिंदूवादी लोगों की जो भावनाएँ आयत हो रही हैं उनके पास है। इतना पैसा मिलता हिंदू भावना भड़काने का? हमें तो कुछ नहीं मिलता, हम तो, हमारी तो सच्चाई है, अंदर की आग निकल रही है हमारी। जो हमें मिलना चाहिए था, जो हमारा देश है वो हमें नहीं मिल पा रहा। हम जिसके जिसके हकदार हैं वो हमें नहीं मिल पा रही। जो इज्जत हमें मिलनी चाहिए थी वो इज्जत हमें नहीं मिल पा रही। जो पद हमें मिलने चाहिए था वो हमें नहीं मिल पा रहे। जो इंस्टीट्यूट हमें मिलने चाहिए था वो हमें नहीं मिल पा रहे। हमें जो खेती की ज़मीन मिलने चाहिए थी वो हमें नहीं मिल पा रही। जो हमें इंस्टीट्यूट, जो पढ़ाई मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही। जो स्वास्थ्य मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। जो रोज़गार मिलना चाहिए था वो रोज़गार नहीं मिल रहा। आप जो देश को तोड़ रहे हैं, हम देश के मालिक हैं, देश के जोड़ने वाले हैं, देश के हम मालिक थे, हमारे दादा बाबा पुरखे, हमारे जो जितने भी ऊपर वाले जितने भी हमारे, वो तो सब देश बीजेपी देश को तोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी देश में, पूरे में, जितना भी देश में, हमेशा से भाईचारा खत्म कर रही है। बीजेपी वाले एजेंट हैं और वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो जा रही है। अब हारती जा रही है ना। अब देखो, एक गुजरात क्या जीत लिया, दिल्ली में देख लो, उस पर विधानसभा ना जीतेगी, ना जीतेगी, उस पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जीतेगी। बेईमानी करी, 270 पैसा लेते हो, 270 सीटों पर से 250 सीटों पर ले आए और सीमांकन करके अपनी अपनी सारी जितनी भी लगाई वो थी बीजेपी वाले। पैसा लेते हो बीजेपी को बदनाम करने का? बीजेपी को बदनाम करने का पैसा नहीं, सच्चाई बोलते हैं। बीजेपी बदनाम लायक ही है। बीजेपी अपना आप, उसने इतने कर्म बेकार कर दिए, बीजेपी फिनिश खत्म है पूरी तरह से। इसके नेता विदेश भागेंगे। कांग्रेस खत्म नहीं है, कांग्रेस का तो आने वाला सूरज है, आप देख रहे होगे। राहुल गांधी के पीछे पूरा देश जुड़ चुका है, इन्हें इसी बात का डर लग रहा है। सारा दुनिया मोदी जी के पीछे है। अरे तुम भी गोदी मीडिया की तरह काम कर रहे हो क्या? जो मोदी मीडिया और गोदी मीडिया काम करा दिखाता नहीं है, तुम भी उन्हीं के कितने मिल गए तुम्हें पैसे? पूरी दुनिया मोदी जी के साथ है। पूरी दुनिया? दुनिया कहाँ, कौन है मोदी जी के पास? पूरी दुनिया, पूरी दुनिया बौद्धिस्ट कंट्री है। यहाँ से जाते हैं, मैं बुद्ध के देश से आ रहा हूँ, बुद्धि की धरती से आ रहा हूँ। इतना दे दो मुझे चंदा, 1,00,000 करोड़ दे दो। विश्व बैंक लूट का खा लिया, रिजर्व बैंक लूट का खा लिया। सारा शिव जी हो, शिव जी से सीखा हूँ शिव जी। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीजेपी के वो बन गए, देखो एजेंट, मेरे को ऐसा लगता है। डर लगने लगा है, एजेंट कांग्रेस, डर लगने लगा है। सच्चाई कहने में डरने लगा है क्या? क्यों डर रहे हो भाई, सच्चाई बोलो ना। जेल जाने से डर लगता है, मैं बचा लूंगा, मैं बेल करा लूंगा, चिंता ना करो। एनएसए लगा देगी बीजेपी, मैं बचाऊंगा, मैं बचाने काम करूंगा। ऐसे ले लेकर पार्टियों का प्रचार करते हो, पहले बीएसपी का प्रचार करते हो, अब कांग्रेस का करने लगे। मैं कोई नेता हूँ? मैं कोई नेता हूँ? मेरे कोई पद है किसी पार्टी का? वो तो वोटर हूँ। प्रचार तो कर रहे हो ना? वोटर हूँ, वोटर को प्रचार करता होगा, वोटर सपोर्टर प्रचार करता होगा कोई। बीजेपी को बदनाम करने का काम? बीजेपी का नहीं, हम जो बीएसपी के वोटर हैं और सपोर्टर भी हैं, और आगे अब जो आने वाले समय में यदि पीएम की बात करोगे, सेंटर में हम बीजेपी नहीं चाहते, हम कांग्रेस गवर्नमेंट चाहते हैं सेंटर में। आपसे सत्तर साल में जो कांग्रेस ने बनाया था वो 2014 के बाद अब तक बीजेपी ने बेक बेक के खाने का काम किया। देश की तरक्की हो रही है, आप लोगों से देखते जा रही है। देश को लूट के खा चुकी है बीजेपी, बर्बाद कर दिया है। रोजगार पर बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम ले आते हैं, स्वास्थ्य पर बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम ले आते हैं, रुपया इतना क्यों गिर रहा, तो महंगाई पे, तो किसी पर भी बात कर लो तो हिंदू मुस्लिम ले आते हैं। पूरी दुनिया में डंका ऐसे ही बज रहा है मोदी जी का, झूठा बज रहा है वो मोदी मीडिया। तुम जैसे पत्रकार जो बिके हुए पत्रकार तुम जैसे ही कर रहे हो इसका जैसा, मतलब एजेंट आप है कांग्रेस के यार, पता हमारे हैं, हम एजेंट नहीं, हम पक्के हैं, पक्के आदमी हम, बिल्कुल सत्यवादी आदमी है, सच्चे कहते हैं। इसलिए बीजेपी को देश से उखाड़ना पड़ेगा और उखड़ रही है। इसलिए बीजेपी के साथ वोट मत दो, बिल्कुल भी वोट मत दो। बीजेपी को जितनी जल्दी हो सके सपाया कर दो। अरे हिंदू मजबूत हो रहे हैं। अरे हिंदू क्या परसेंट है, हिंदू मजबूत हो रहे हैं। 52% ओबीसी है, जिस दिन जाग गया ना 52% ओबीसी, उसे पता लग गया तुम शूद्र हो, दलित हो, उस दिन ये बीजेपी वोट के नीचे आ जाएगी। नहीं, कौन कह रहा हिंदू है? क्यों ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, क्या शूद्र में आते हैं जितने ओबीसी है? मैं हिंदू क्यों होता? आप तो पैसे लेते हो। आई एम बौद्धिस्ट, आई एम नॉट ए हिंदू, यू अंडरस्टैंड? आई एम नॉट ए हिंदू, आई एम ए बौद्धिस्ट, समझ गए? हिंदू नॉट, हिंदू इज नॉट ए रिलीजन, कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, कोई एक सनातन धर्म है बस, हिंदू धर्म का नाम का कोई चित्र वो नहीं है। आप लोग देश में विकास नहीं होने दोगे ना? हिंदू तो जब आएंगे, जब हिंदुस्तान होगा, ये तो भारत है, भारत है ना, भारत है ना देश, देश का विकास होने दोगे? संविधान की धज्जी कौन उड़ा रहा है? बीजेपी उड़ा रही है ना, बीजेपी उड़ा रही है ना संविधान की धज्जी। कहाँ उड़ा रही बीजेपी? क्यों वायलेशन हो रहा, टोटल वायलेशन हो रहा संविधान का? आप बताइए, वायलेशन नहीं हो रहा बताइए आप, क्यों नहीं हो रहा? ओबीसी का वहाँ से यूपी से कोटा खत्म कर दिया इन्होंने, आप बताइए
इलेक्शन नहीं लड़ सकते बेचारे। क्या है बीजेपी ने थोड़ा ही क्या बीजेपी। अरे यार तुम जानते नहीं हो, कोर्ट आज के पेपर में पढ़ो जस्टिस वो कह रहे हैं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बीजेपी के प्रेशर में आके डिसीजन दे रही है सरकार के फेवर में सीधा सीधा। इससे बुरा वक्त और कोई आ ही नहीं सकता लोकतंत्र के लिए साथियों। इसलिए आप तो बदनाम करते हैं बीजेपी। इसलिए लास्ट में मैं यही कहूंगा कि साथियों आप कांग्रेस का साथ दें, बहुजन समाज पार्टी का साथ दें और केवल बीजेपी को जल्दी से जल्दी भगाने का काम करें। देश में जितनी जल्दी बीजेपी साफ हो जाए उतना ही देश का फायदा होगा। देश को पूरे को बर्बाद कर चुकी है बीजेपी, बेक के खा गई है पूरे संस्थानों को और रिजर्व बैंक पे इतना कर्ज, रिजर्व बैंक को खत्म कर दिया। गड्ढे कांग्रेस ने, गड्ढे नहीं गड्ढे खोद कर जो इमारत बनाई थी वो इमारत मोदी जी ने बेच चुके हैं। अब उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। 2024 में बीजेपी पूरी तरह से नस्तनाबूद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी पार्टी। पार्टी में देखे नहीं है सारे जो भाग गए थे वो भी लौट लौट कर आ रहे हैं, जो बीजेपी के नेता वो भी लौट कर आ रहे हैं। अब कहां आ रहे हैं आने वाले समय में देख लो सारे लौट कर आ जाएंगे। ये टूटने वाले दल बदलू जितने भी है लोटापंटी है ना सब यहीं आ जाएंगे जितने भी लोटकने पटकने वाले। के बाजार में प्यार की दुकान बिल्कुल सही चल रही है और बहुत बढ़िया चल रहे हैं, पूरा देश जोड़ दिया है और बहुत अच्छी हवा है उनकी आज की डेट में। और आने वाले समय में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और हमारे यूपी में बीएसपी की गवर्नमेंट बनेगी और आने वाला समय बहुत बढ़िया रहेगा। देश को दोबारा से डेवलप किया जाएगा। जो संस्थान कांग्रेस ने बनाए थे वो सारे बीजेपी ने जो बेचे हैं वो वापस बनाए जाएंगे और जितने भी ये जितने जिन लोगों को इन्होंने रईस बनाया सारे जेल में जाएंगे या देश छोड़कर माल्या की तरफ विदेश भागेंगे। हमारे समाज में जितने क्रांतिकारी हुए खासकर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, बहुत सारे महान क्रांतिकारी जिन्होंने मना किया है और बाबा साहब ने यहाँ तक कहा कि बौद्ध धर्म को अपनाइए, आप मंदिरों में मत जाइए, आपका मंदिरों से कोई मतलब नहीं और ये भगवान जो मंदिर में बैठा है वो दलितों के लिए नहीं है, ना ही दलितों की स्त्रियों के लिए। आप एक बात बताइए, जब तक देश में संविधान लागू नहीं हुआ था बाबा साहब ने जब अधिकार लेडियों को दिए, पूरे भारत की सभी समाज की नारियों को जो सम्मान बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे वो किसी आज तक ना किसी देवी ने दिए ना किसी देवता ने दिए। बाबा साहब ने भी उस समय कहा था कि ये भगवान तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं दिया और खासकर दलितों का तो भगवान मंदिर में बैठा ही नहीं है, इसलिए मंदिर में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है, भगवान बुद्ध को पढ़ने की जरूरत है, बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है, देश के संविधान को पढ़ने की जरूरत है या आप बौद्ध मठों में जाइए। आप ऐसे धर्म को पर आजादी है ना, सबको देखिए आजादी है लेकिन कहाँ आजादी है। हिंदू धर्म में कोई आजादी नहीं है, जो उनका सनातन धर्म हिंदू धर्म है वो पाखंड के ऊपर बालू के रेत पर खड़ा हुआ है जिसमें कोई भी सत्यता नहीं है, ना इनके भगवान सच्चे हैं, ना इनका धर्म सच्चा है, ना इनके मंदिर सच्चे हैं। संविधान आजादी देता है, संविधान आजादी देता है लेकिन हमारे एससीओ को आजादी नहीं देता। आपको पता है देश आजादी होने से पहले भी और देश आजाद होने के बाद भी इसके राष्ट्रपति जैसे रामनाथ कोविंद जैसे को भी देश के मंदिर में इतने मंदिर में वहां नहीं घुसने दिया, उन्हें वापस आना पड़ा। तो महिला की बात है कर्नाटक में क्यों जाते हो, आपको मारते पीटते हैं, आपका गाली गलौज करते हैं, आपका आपकी बेइज्जती करते हैं। आप बताइए जब ऐसे भगवान को देखने का क्या फायदा, जिस मंदिर का पुजारी उस महिला को मार रहा है वहां के भगवान में इतनी भी शक्ति नहीं है कि उस पुजारी को दंडित कर सके और यह कह सके कि तुम महिलाओं पर क्यों अत्याचार कर रहे हो, ये मेरी पूजा करने आई है ना कि तुम्हारी पूजा करने आई है। जब तुम्हारी पूजा करने आई है तो आप कौन होते हो रोकने वाले, आप धर्म के ठेकेदार क्यों बनने हो। मेरा भगवान, मैं भगवान और नारी जो पूजा करना आई है उन दोनों के बीच का हमारा संबंध है, वो मुझसे कुछ अपनी प्रार्थना करना चाहती है और मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप क्यों बीच में रोकना चाहते हो। 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने ये साबित कर दिया था कि भगवान नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, केवल प्रकृति ही है जो कुछ है, अपने आप में सू मोटो पावर प्रकृति लेती है, वही चक्कर चलता रहता है, जन्म मरण का भी वही चक्कर है। तो इसलिए मंदिर में जो गई थी महिला, पहले तो उसकी गलती थी, उसे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जो लोग अपने इतिहास नहीं पढ़ते हैं वो इतिहास ना बना सकते हैं। बाबा साहब ने पहले भी कहा है बहुत लंबे समय से, परंपराएं तो चली आ रही ना, परंपरा को मारो लात ऐसी परंपरा को, परंपरा कोई मायने नहीं रखती। परंपरा का क्या मतलब है, जब मंदिर में आए दिन दलितों को घुसना या प्रवेश वर्जित है, वहां नहीं जा सकते कि क्यों कोशिश कर रहे हो। इससे पहले एक महिला की ना गौतम, उसको भी उसके साथ भी हाथापाई हुई थी, आप देख रहे हो उसको नहीं घुसने दिया। और जब एससीओं को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता तो आप मंदिर में जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्या रखा है ऐसे मंदिरों में, ऐसे जो तुम्हें पूजने के लिए नहीं बुला रहा तुम जा रहे हो उसकी चौखट पर। आपको नहीं लगता सरकार को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? सरकार को कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, केवल ये बार बार मैं कह रहा हूँ सोचित प्लानिंग है, मन ऑलरेडी पहले से प्लानिंग होती है ये
किसको घुसने देना किसको नहीं घुसने देना। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ अपने समाज की महिलाओं के लिए और बाबा साहब के अनुयायियों के लिए कि भगवान बाबा साहब और भगवान बुद्ध को पढ़ें, आप उनके धर्म को पढ़ें, आप मंदिरों में ना जाएं, मंदिरों में कुछ नहीं रखा, भगवान तुम्हारे लिए नहीं है, वो केवल एक बिजनेस मात्र है और बिजनेस चलाने के लिए वो केवल चालू किया गया मंदिर, मंदिर में कुछ नहीं है, केवल ईंटों का पत्थर का बना हुआ है वो भगवान भी हमने ही बना रहा है मूर्ति, काट काट कर छेनियों से किसी दलित नहीं बना रहा वो मंदिर, और काट काट कर छेनी और हथौड़ा से वो मूर्ति बनाई है। और बताइए सरकार तो जानबूझकर लेती नहीं है कुछ भी एक्शन, ना सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेता है, ना वहाँ का हाई कोर्ट सुमोटो लेता है, ना कोई लेता आ रहा है। जब जिस महिला के साथ में ऐसा किया गया तो आपको उसमें मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना चाहिए, ऐसे आदमी को क्यों नहीं जेल भेज रहे? इसका मतलब है सरकार और जो भी मिली हुई है मिली भक्ति है इनकी कामों का, एससीओ को नीचा दिखाना चाहते हैं, जानबूझकर ऐसा करना चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं देश को पुजारियों की जरूरत नहीं है, तपस्वियों की जरूरत। राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बीजेपी पूजा करती है और कांग्रेस तपस्या करती है, और राहुल गांधी ने इस समय पूरी बीजेपी की पखिया उखाड़ रखी है पूरी तरह से, क्योंकि 2024 में ऑलरेडी बीजेपी को हराने वाला है जो काम है ना वो राहुल जी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। पूरे देश को भारत जोड़ो यात्रा, भाई आप बताइए नफरत की मार्केट में वो बत की दुकान लगा रहे हैं और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। टी शर्ट राहुल गांधी को टी शर्ट को लेकर 40,000 रुपए की टी शर्ट है, आज उसी टी शर्ट में इतनी आग निकल रही है क्या वो जाड़े ही नहीं लगने दे रही, देख लो। आप बताइए टी शर्ट के ऊपर कोई सवाल पैदा नहीं करता, जिसकी राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए जो कितने हजार करोड़ रुपया लाखों करोड़ रुपया बीजेपी और आरएसएस ने खराब किया था कि राहुल गांधी की इमेज को खराब कीजिए कि वो प्रधानमंत्री ना बन जाए, तो अभी भी ना रोक सकते, वो प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, डेफिनेटली 100% देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा आने वाले समय में।